बॉयलर गेज ग्लास को कैसे ब्लो डाउन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ में, हाउ टू ब्लो डाउन द बॉयलर गेज ग्लास और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको हम क्यों ब्लो डाउन करते हैं। बॉयलर एक सेफ्टी फीचर्स है गेज ग्लास, सॉरी बॉयलर में गेज ग्लास एक सेफ्टी फीचर्स है। तो गेज ग्लास का काम होता है कि चेक द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर ड्रम। जो बॉयलर ड्रम होता है उसमें जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन रखने के लिए हम बॉयलर गेज ग्लास का यूज करते हैं। हाफ टू थ्री फोर्थ तक हम वाटर लेवल मेंटेन रखते हैं और उसको हम ब्लो डाउन क्यों करते हैं, उसको चेक क्यों करते हैं और उसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली बॉयलर में दो गेज ग्लास लगे होते हैं जो वाटर लेवल इंडिकेटर होते हैं और इनको हम चेक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक आपका गेज ग्लास सही से काम नहीं कर रहा है तो वो गेज ग्लास आपका वर्किंग नहीं कर रहा अच्छे से, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बॉयलर में वाटर लेवल है कि नहीं। अगर बॉयलर में वाटर लेवल नहीं होगा तो क्या होगा, आपका बॉयलर हीट हो जाएगा और रप्चर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो वाटर लेवल चेक करना बॉयलर में गेज ग्लास के थ्रू हम करते हैं और गेज ग्लास का चोक होना या काम ना करना ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है ऑन बोर्ड द शिप। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे बॉयलर गेज ग्लास को, पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसमें आपको स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप बहुत ही जरूरी है। इसमें स्टेप हमेशा सीक्वेंस पे फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हम सीक्वेंस चेंज करके आप स्टेप करेंगे तो ब्लो डाउन हो जाएगा, नहीं, उससे आपको इंजरी भी हो सकती है। यहाँ पे हम सारे स्टेप्स देखेंगे अभी कि बॉयलर गेज ग्लास को हम कैसे क्लीन करते हैं और कैसे उसको चेक करते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे एज वी नो द स्टीम ऊपर की साइड में रहता है और वाटर जो है वो नीचे की साइड में रहता है। तो यहाँ पे हम ये ड्रेन कॉक है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे ड्रेन कॉक और ड्रेन बॉल, और ये ऊपर वाला जो ये जो है ये है वाटर बॉल और वाटर कॉक। ओके, और यहाँ पे है स्टीम कॉक। Okay, और स्टीम वॉल भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये है आपका गेज ग्लास। ओके, ये है आपका बॉयलर ड्रम। ये जस्ट बेसिक लाइन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं है कि ऐसे शिप में होगा। तो यहाँ पर ये स्टीम लाइन है आपकी, इसमें अंदर स्टीम रहेगा, इसमें अंदर वाटर रहेगा और ये आपको आपको ये चेक करना है वाटर लेवल कितना है। सो हाउ टू ब्लो डाउन, कैसे ब्लो डाउन करेंगे इसमें, तो हमारा स्टेप नंबर वन होगा, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ। जो नंबर वन होगा आपका, अभी आपका बॉयलर रनिंग कंडीशन में है, अब आपको इसको गेज ग्लास को ब्लो डाउन करना है, मतलब चेक करना है कि इट इज वर्किंग और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले इसको आइसोलेट करना पड़ेगा गेज ग्लास को। ओके, तो उसके लिए हम ये वाटर कॉक ओपन है आपका, स्टीम कॉक ओपन है, तो दोनों वाटर एंड स्टीम कॉक हमें क्या करना है, शट करना है, क्लोज करना है। ओके, तो पहले स्टीम शट था, वाटर कॉक एंड स्टीम कॉक, क्लियर। पहला स्टेप हमारा क्या था, वाटर कॉक और स्टीम कॉक दोनों को हमने बंद कर दिया है। अब यहां पर जो इसमें जितना वाटर लेवल था उतना ही में शो करेगा। नाउ ओपन द ड्रेन कॉक। नंबर टू पर हमें क्या करना है, नंबर टू है हमारा ओपन ड्रेन। ओके, जब आप ड्रेन कॉक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अंदर जो पानी होगा वो यहां से नीचे से बाहर निकल जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका ड्रेन कॉक वर्किंग कंडीशन में है। ओके, नाउ ड्रेन कॉक आपका काम करना बंद कर दिया, नाउ ओपन द वाटर कॉक। नंबर तीन है आपका
ओपन वाटर, जब आपने वाटर कॉक ओपन किया फिर यहां से जो पानी होगा वो इस कॉक के थ्रू बाहर जाएगा, और ड्रेन तो आपका ऑलरेडी ओपन है तो यहां से नीचे निकलने जाएगा, तो आपको दोनों कॉक क्लियर हो जाएंगे। ड्रेन पहले ही क्लियर कर लिया हमने, नेक्स्ट है हमारा वाटर कॉक भी हमने क्लियर कर लिया यहाँ पर, ये क्लियर है हमारा, यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सट द वाटर बॉल, पॉइंट नंबर 4 आएगा, सट वाटर एंड ओपन स्टील। वाटर कॉक सेट करेंगे, स्टीम ओपन करेंगे और हम स्टीम को चेक कर लेंगे, यहाँ से स्टीम निकल के बाहर आ जाएगी तो स्टीम कॉक भी आपका क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नंबर 5 है वो है सेट स्टीम एंड ड्रेन। अब हमने स्टीम चेक भी कॉक भी चेक कर लिया है, हम स्टीम को और ड्रेन को दोनों को बंद कर देंगे। नाउ नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारा नंबर 6 क्या आएगा हमारा, अभी आपको ये चेक कर लिया हमने तीनों के तीनों जो आपके कॉक हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं और यहाँ पे गेज ग्लास आपका सही तरह से काम कर रहा है। अब हमें आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कि इसमें हमें आप इसको वर्किंग कंडीशन वापस लेके जाना, बैक टू वर्क करना है इसको। बैक टू वर्क करने के लिए इसमें हमें फिर से वाटर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम जनरली कोई मिस्टेक भी कर सकता है कि स्टीम कॉक को हम पहले ओपन कर देंगे। अगर स्टीम कॉक आप पहले ओपन कर देंगे तो ड्यू टू द लेटेंट हीट जो हीट होगी स्टीम की, उसकी वजह से आपका जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टीम कॉक को ओपन ना करके और वाटर कॉक को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा ओपन वाटर एंड देन 7 नंबर आएगा हमारा ओपन स्टीम, क्लियर। तो जब हम दोनों कॉक में से जब हमारी चेकिंग हो जाएगा उसके बाद में जब हम बैक टू वर्क इसको पोजीशन में रखेंगे तो वहां पे हमें सबसे पहले वाटर कॉक ओपन करना है, उसके बाद में हमें स्टीम कॉक ओपन करना है और उसके बाद में वाटर लेवल हमें चेक करना है कितना वाटर लेवल इसमें शो कर रहा है आपका। नॉर्मली वाटर लेवल आपका 1/2 to 3/4 होता है, ओके। और इम्पोर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि जो तीनों ये कॉक हैं वाटर स्टीम एंड ड्रेन, इन तीनों का जो हैंडल का जो पोजिशन होता है वो हमारा किधर होता है, डाउनवर्ड्स होता है यहाँ पे शिप्स में। शिप्स में जो भी बॉयलर्स होंगे हमारे उसमें जो कॉक का हैंडल होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ये ओरल एग्जामिनेशन में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।